यहाँ ये इस्माइल चांद खिला हुआ है। आज हम लोग बना रहे हैं तिल के लड्डू। तो तिल ऑलरेडी रोस्ट करके रख लिए हैं और यहाँ पे गुड़ भी डाल दिया है मेल्ट होने के लिए। अब इसको मेल्ट होने तक वेट करेंगे हम लोग। अब मेल्ट होते ही ना इसमें हम ये जो तिल है सब डाल देंगे। और मूंगफली हमने रोस्ट करके रखी थी वो भी इसमें डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, फिर इसके बनाएंगे हम गरम गरम लड्डू। ये वाली प्लेट के लड्डू मैंने बनाए सारे और उधर वाले प्लेट के लड्डू सारे मम्मी ने बनाए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल शो विद द ब्लॉग्स के एक और नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो अभी हम लोग जो है लड्डू बना चुके हैं तिल के और ये प्रिपेयर हो गए हैं यहाँ पे, बस इसको ठंडा करने के लिए रखा हुआ है। और अभी बज रहे हैं 10 बजने वाला है। अब डिनर की प्रिपरेशन करते हैं कि डिनर में क्या बनने वाला है। और मेरे हस्बैंड लोग तो गए पोस्टर लगाने के लिए, उनका रोज रात का आजकल रूटीन हो गया है वो। और पापा गए हैं टाइसन और टाइगर को घुमाने के लिए क्योंकि उन लोगों का खाना हो गया है। और खाना अभी बचा भी हुआ है दोपहर का काफ़ी सारा, बस अभी थोड़ी सी सब्जी बनानी है पापा के लिए क्योंकि दोपहर का सब्जी वो खाएंगे नहीं अभी तो बस। और मैं भी आजकल मतलब कभी कुछ खाने का मन रहता है कभी कुछ, तो मेरे को पत्ता गोभी खाने का बहुत ज़्यादा मन है। लेकिन मैं अभी बैगन का चोखा भी बनाऊंगी सोच रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बैगन को पहले वो कर लूँ, बैगन का चोखा बनाने की प्रिपरेशन। और ये गोभी है तो इसकी सब्जी ना मेरे को आज मेरी मम्मी बनाती थी एक तरीके से, उस तरीके से बनाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। मतलब क्रेविंग होती है मेरे को ना इस बीच में, ऐसी क्रेविंग होती है जैसे मम्मी के हाथों का जो बचपन में बहुत कुछ खाया था। मतलब मुझे तो पता नहीं कैसे बनाती थी कि नहीं बनाती थी, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें का फ्लेवर मुँह पे है ना कि वो ऐसे बनाती थी या ये वो। तो दो तीन चीज़ें मैंने ट्राई की थी, हो भी गई थी, आज भी ट्राई करके देखती हूँ कि होती है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। दोनों भाई ना एकदम जहाँ जाते हैं एकदम साथ साथ आगे पीछे रहते हैं। और टाइगर तो बाहर जाके इतना बदमाश हो जाता है ना, किसी की बातें भी नहीं सुनता है, तो डंडा लेके जाना पड़ता है। डिनर हम लोग रात में जब आते हैं तो छत पर करते, मैं पहले कर लेती हूँ आजकल, बस उनके साथ छत पर थोड़ा बैठ जाती हूँ, बहुत अच्छी हवा चलती है। मतलब देखते हैं अब यहाँ पे मतलब खुल के बारिश कब होगी, क्योंकि यहाँ खुल के बारिश ही नहीं हो रही है बिल्कुल। आसपास में हर जगह इतना ठंडा वेदर हो चुका है, बट हवा की वजह से हमारे यहाँ भी ठंडा वेदर हो गया है, लेकिन फिर भी वो गर्मी गई नहीं है अभी। यहाँ पे जब तक अभी फुल बारिश नहीं होगी ना, वैसी बारिश जैसी चाहिए वो नहीं हो रही है। ऑयल डाल दिया है हमने कढ़ाई पे और इसमें तड़के के लिए मैं यूज़ करूँगी तेज़पत्ता, एक लाल मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा। पत्ता गोभी जो कट करके रखी हुई थी वो हम डाल देंगे अब इसमें। अब इसमें एक चम्मच नमक, एक चम्मच हल्दी, इसको थोड़ा सा हम मिक्स करके इसको ढक के रख देंगे थोड़ा देर। इतना अच्छा है ना, बहुत अच्छी हवा चल रही है। जैसे यहाँ देवरिया में तो बारिश हो ही नहीं रही है काफ़ी दिनों से, लेकिन आज दिन भर में थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है। मेरे को हर जगह आसपास में बारिश हो रही है, बट हमारे यहाँ ही बारिश नहीं होती है। लेकिन आज वेदर काफ़ी ठंडा हो गया है और बाहर बहुत अच्छी हवा भी चल रही है। अब बादल भी लगे हुए हैं काफ़ी, देख सकते हैं आप लोग। अब पता नहीं कि बारिश होगी कि नहीं होगी। अब रात में थोड़ी बहुत कल भी हुई थी, आज दिन में भी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की छींटे वगैरह वाली बारिश होती है बस, और उससे ज़्यादा नहीं होती है। बहुत अच्छी हवा है यार, बहुत अच्छी।
यहाँ बना रही हूँ केसर वाला दूध अपने लिए, जो मैं बेड टाइम पे पीती हूँ रात में। तो केसर को ना मेल्ट करने के लिए मैं पहले पानी में इसको मेल्ट कर लेती हूँ, नहीं तो बोलते हैं कि जब तक अच्छे से केसर मिक्स ना हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसको मेल्ट करने के लिए इसको पानी में पहले अच्छे से खौलाऊँगी, उसके बाद इसमें दूध डालूँगी जब इसका पूरा कलर आ जाएगा। अब बना रही हूँ चोखा। तो सारी जो चीज़ें कट करके रखी हुई हैं, तो पहले डालूँगी लहसुन, इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे, उसके बाद इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल दूँगी। पापा को भूख लग चुकी है तो उनको फटाफट से खाना देकर आती हूँ। बैठे हुए हैं डाइनिंग टेबल पे और टीवी देख रहे हैं। अभी पत्ता गोभी का सीज़न तो है नहीं, तो इसको ना पकने में इस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं सोच रही थी पहले इसको फ्राई करूँगी, बट ये गल ही नहीं रहा था, इसीलिए फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब इसको ढक के रख दूँगी। ये है मेरे हबी के लिए प्लेट, घी से कोटेड रोटियां, मोटी मोटी जो रोटियां होती है ना, एज अ लिट्टी, इसको हम तवा लिट्टी भी बोल सकते हैं। तो ये है वो पत्ता गोभी की सब्जी जिसकी मेरे को बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। और यहाँ पे चोखा इतना सा बचा हुआ है, थोड़ा सा और रखा हुआ है आनंद के लिए और मेरे हबी के लिए। और यहाँ पे केसर वाला दूध रेडी हो चुका है। ये मेरी डाइट का एक हिस्सा बन चुका है आजकल। तो इसमें जो है मेरी रात की मेडिसिन्स हैं कुछ, और कुछ सुबह की। तो रात में मैं 2 टैबलेट लेती हूँ और एक आयरन का सिरप जो बेड टाइम पे लेने के लिए बोला है। डिनर हो रहा है ना मिताली? डिनर हो रहा है ना? मतलब और सब दवाइयाँ फिर भी चल रही है, लेकिन इसका लेवल इतना गंदा है ना। इसके बाद मेरा अभी एक और चीज बाकी है, दूध अभी तक नहीं पिया। कोकोनट वाटर पिया था आज? आजकल रात मतलब एकदम रानियों वाला जीवन है। और सबसे ज्यादा इरिटेट हो जाती है आजकल रात में, इतने बार वॉशरूम जाना पड़ता है ना, तो फिर नींद आके भी कभी कभी नहीं आती है। लेकिन आजकल मेरी नींद की प्रॉब्लम थोड़ी ठीक है,
अभी ठीक है, मैं लिखता हूँ। डॉक्टर ने बोला था मेरी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो गई है, तो उस वजह से उन्होंने मेरे को ये इलेक्ट्रॉल का पानी एक हफ्ते के लिए बोला था, बट मैंने अभी 3 दिन ही पिया है, ये वाला पैकेट बचा है, तो ये काफ़ी अच्छा हेल्प किया। आधा घंटा या 10 मिनट बाद? 10 मिनट बाद। देखो एक और दादी आ रही है, अभी देखो दादी एकदम सुपर हैप्पी दादी आई है। दादी वो देखो कहाँ है दादी, आज हार्ट बीट सुन के कैसा लगा? आज मैं आज दुनिया स्विमिंग करने वाले सेम सेम आई थी। आज हार्ट बीट सुन के कैसा लगा? मम्मी ने तो सुना नहीं, मम्मी ने ऐसा हाथ लगा के फील किया, मम्मी बोल रही है देख यहाँ पे ऐसा उछल रहा है। हार्ट बीट तो आपने सुना आज, अभी एक खुशी का वो है बाबू। आज तो इनके चेहरे से स्माइल ही नहीं जा रही, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ ये स्माइल आज चांद खिला हुआ है। ये हंसी जा ही नहीं रही है तब से। मैं हंसूंगी नहीं, अरे बाप रे, हमसे लड़ने वाली आ रही है। लड़ने वाली, लड़ने वाला तो सब उल्टा हो गया, सबके घर में बेटा 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 करते हैं लोग, बिटिया 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 बिटिया। अच्छा तो है, अब मेरे को भी तो बिटिया का बहुत शौक है। हो जाए तो वाह। अरे कितना कंट्रोल करोगे स्माइल को? एकदम काम दुख 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 कर रहा है मेरा। मैं कौन आप क्वेश्चन है ना कौन वे। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करने वाली हूँ। आई होप आप सभी लोगों को अच्छा हो लगा होगा वीडियो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, याद से कर दीजिएगा। तो गुड नाइट एवरीवन, फिर मुलाकात होगी आप लोगों से फिर से एक और नए ब्लॉग के साथ। अभी टाइम हो रहा है 12:45 और बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, मतलब जैसा हम चाह रहे कि बारिश हो, आज जाके वो बारिश हो रही है। नहीं हो रहा थोड़ा। देवरिया की पहली बारिश।